टीवी के मोस्ट पॉपुलर क्राइम शो सीआईडी में फेड्रिक्स का किरदार निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणीस का कल रात यानी 4 दिसंबर को निधन हो गया। अपनी बीमारी से वो काफी लड़े, लेकिन कल रात करीब 12 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें मुंबई के तुंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 57 साल की उम्र में उनका इस तरीके से चले जाना सबके लिए बड़ा ही शॉकिंग है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे वो अपने परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, उनकी नेटवर्थ क्या थी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो किस बीमारी से जूझ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश की हालत गंभीर थी और वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वो लीवर डैमेज की समस्या से जूझ रहे थे। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी कि एक्टर को दिल का दौरा भी पड़ा है, जिसे दयानंद शेट्टी ने खारिज कर दिया था और बताया कि उनका लीवर डैमेज था। उनके करीबी दोस्त दयानंद शेट्टी ने ई टाइम से बात की थी और बताया था, हाँ ये सच है कि वो अब नहीं रहे, ये लगभग 12:08 की बात है, मैं अभी उनके घर पर हूँ, उनका अंतिम संस्कार आज ही होगा। सीआईडी के लगभग सभी लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें उनका अंतिम संस्कार यानी आज 5 दिसंबर को ही होना है। उनके घर में उनकी पत्नी नैना और एक बेटी तनु है। इसके अलावा उनकी एक पोती भी है, जिसके साथ उनकी इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस भी हैं, जहां वो अपनी पोती के साथ खेलते और मस्ती करते भी नजर आते थे। वो अपनी पोती से बेहद प्यार करते थे, अक्सर उनको इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और फोटोज शेयर करते हुए देखा जाता था। उन्होंने सबसे फेमस शो सीआईडी में काम किया, जो भारतीय टेलीविजन पर नंबर 1 था। वो एक घरेलू नाम बन गए और दर्शकों का खूब ध्यान खींचा। उन्होंने 1998 से 2018 तक शो में काम किया और बाकी कलाकारों की तरह ही बच्चों के बीच काफी फेमस रहे। सिर्फ सीआईडी ही नहीं, दिनेश ने एक और हिट सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी केमियो किया था। वो कुछ फिल्मों में भी केमियो रोल में नजर आ चुके थे। इसके अलावा उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो allfamousbirthday.com के मुताबिक जो एनालिसिस हुआ है, उससे उनकी नेटवर्थ $5 मिलियन तकरीबन 8 करोड़ रुपए निकलकर सामने आई है। इसके अलावा उनका खुद का घर भी था जिसमें वो रहते थे। इसके अलावा आपको बता दें 1990 के दशक में पैदा हुए बच्चों के दिलों में सीआईडी की खास जगह है। ये 1990 और 2000 के दशक के सबसे फेमस टेलीविजन शोज में से एक था और बहुत देखा जाता था। ये सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ और अपनी मजबूत कास्ट और कहानी से दर्शकों का लगातार दिल जीता। शो के स्टार कास्ट में शिवाजी साटम, दयानंद शेट्टी, आदित्य श्रीवास्तव, जानवी छेदा गोपालिया, ऋषिकेश पांडे, श्रद्धा मुसले और कई लोग थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।